हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली के पहले सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम। कहते हैं कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने जिंदगी में बड़े से बड़े मकाम को प्राप्त किया, बुलंदियों को छुआ और इन्हीं के जमाने में कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया गया। क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार को पूर्ण निर्माण क्यों करवाया गया? क्योंकि इनका संबंध कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक एक सूफी संत से, और वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनके मुरीद भी थे। कहते हैं कि वो सूफी संत जो कि बहुत नेक हुआ करते थे, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी बहुत नेक दिल था। कहते हैं कि सूफी संत ने अपने जिंदगी में एक वसीयत नामा लिखा कि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिन्होंने कभी फज्र की नमाज कजा न किया। फज्र की नमाज सुबह की नमाज को कहते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई सूफी संत की, तो कोई भी व्यक्ति सामने आकर उनके जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ा पाया। तब उस घड़ी में, उस समय में इल्तुतमिश सामने आकर जनाजे की नमाज पढ़ाते और इल्तुतमिश नमाज पढ़ाने के बाद रोने लगे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति समझे या जाने कि वो कितना नेक दिल, कितना नेक इंसान था जिन्होंने कभी फज्र की नमाज को नहीं छोड़ा। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति उनके बारे में उनकी इबादत को जाने। कहते हैं कि इबादत हमेशा, पुण्य हमेशा छुपा के की जाती है, किसी को दिखा के नहीं। तो साथियों, ऐसे ही रोचक तथ्य को जानने के लिए जुड़े रहे UGC अड्डा नेट 24/7। जय हिंद, जय भारत।